दोस्तों, इसरो के बाहुबली रॉकेट को कौन नहीं जानता। ये रॉकेट इंडिया का सबसे ज्यादा लोड ले जाने वाला रॉकेट है, जो 4 टन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक लेकर जा सकता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये रॉकेट 4 टन नहीं 6 टन जीटीओ तक लेकर जाए, तो इसरो इसमें क्या चेंजेस करेगा। आप यहाँ पर GSLV Mark 3 की कोर स्टेज देख सकते हैं, जो L110 लिक्विड स्टेज है, जो 2 विकास इंजन से पावर होता है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने डिजाइन और डेवलप किया है। ये रॉकेट अपने 2 विकास इंजन की मदद से 4 टन जीटीओ तक पहुंचा सकता है। इसी कोर स्टेज को अगर हम सेमी क्रायोजेनिक से बदल दे, तो जैसा इसरो का कहना है कि वो इसे SC-160 से चेंज करेगा, तो इसकी कैपेसिटी 4 टन से 6 टन जीटीओ तक ले जाने की हो जाएगी। इसे इसरो ने ULV रॉकेट्स यानी यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल का नाम दिया है। ULV का मोस्ट पावरफुल वेरिएंट 2 S-200 बूस्टर का यूज करेगा। इसका लॉन्च मास 700 टन होगा। ये 6 टन को जीटीओ और 15 टन को LEO तक पहुंचा सकेगा। ULV रॉकेट्स के सक्सेसफुल वर्क करने के बाद इसरो HLV रॉकेट्स को टेस्ट करेगा, जो ULV से भी ज्यादा पावरफुल होंगे। इसरो HLV रॉकेट्स में 2 S-250 सॉलिड बूस्टर्स का यूज किया जाएगा और कोर स्टेज में L-400 केरोसिन LOX इंजन का यूज किया जाएगा, जिससे इसकी कैपेसिटी 10 टन GTO तक पहुंचाने की हो जाएगी। इसरो HLV रॉकेट्स में ULV रॉकेट से भी बड़ा फ्यूल टैंक यूज किया जाएगा। इसके अपर स्टेज को भी बड़ा किया जाएगा, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा स्पेस में पहुंचा सके। इसरो ने अपना स्पेस स्टेशन बनाने का भी फैसला किया है, जिसके लिए इसरो को ज्यादा से ज्यादा कार्गो स्पेस में पहुंचाने होंगे, और इन कामों के लिए इसरो के ये HLV रॉकेट्स बेस्ट ऑप्शन साबित होंगे। हालांकि इसरो अपने रिसोर्सेस का बेस्ट यूज कर रहा है, जिससे कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा लोड स्पेस में पहुंचाया जा सके। पर फिर भी भविष्य में हमें अपने मिशंस के लिए बड़े रॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी। जापान का H2B रॉकेट 8 टन लेकर जा सकता है। फॉल्कन SpaceX 8.3 टन लेकर जा सकता है। प्रोटॉन रशिया 6.3 टन लेकर जा सकता है। लॉन्ग मार्च चाइना 14 टन स्पेस में पहुंचा सकता है। एरियन 5 यूरोप की कैपेसिटी 10.9 टन ले जाने की है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसरो अपने ULV और HLV प्रोग्राम्स में तेजी लाए, जिससे हम भी स्पेस में स्पेस स्टेशन, मून मैन मिशन और बड़े मार्स मिशन जैसे मिशंस को सक्सेसफुली कर पाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।